तो भी अंकल आ चुके हैं, पतंग लेकर आए हैं, पन्नी वाली और पेपर वाली। ओ यार, तो इस चक्कर में आज क्या हुआ कि भाई नीचे वाला देखो, यहाँ पर कांच था वो टूट गया। सब्सक्राइब टू IPM व्लॉग्स एंड लाइक द बेल आइकन। Well, so what's up guys? Welcome vlogs back here and guys welcome back to another vlog. And as you told before कि भाई इतने भी हमारा सारा सामान था ना जो कि हमको लेना था हमारे ड्राइंग रूम के लिए, रूम्स के लिए, वह अभी सारा रुका हुआ है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। नहीं तो मजा आती है हमेशा एम्पोरियम में, लाइक चेन्नई एम्पोरियम देन कश्मीर एम्पोरियम। मैं बहुत सारा सामान लेना पसंद है एम्पोरियम से, क्योंकि भाई वहाँ पर जो चीज़ें मिलती है ना वो बहुत बढ़िया मिलती है एम्पोरियम ऐसे दिल्ली में ना कनॉट प्लेस के साइड में, वहाँ पे बहुत सारी एम्पोरियम जिसमें आपको सारा सामान मिलता है उनके स्टेट वगैरह के हिसाब से। तो मम्मा ने ये जो लॉर्ड गणेश की स्टैचू है ये भी एम्पोरियम से ही ली थी, और ये राजस्थानी स्टैचू है ये भी मम्मा ने एम्पोरियम से लिया था। इसको थोड़ा इग्नोर करो, यहाँ पड़ा है अपना सामान जो कि आज हम खेलेंगे छत पर क्रिकेट और पतंग भी उड़ाएंगे। बड़ी मुश्किल से आज हमको मिली है पतंग, मेरे को जो अंकल का फोन अभी आ गया था कि जो पतंग मिल चुकी है तो फिर लेके आ रहा हूँ पतंग, क्योंकि हम बहुत ट्राई करके जो पतंग है वो नहीं मिल रही थी, बट आज अंकल को मिल गई है। एंड अभी का सीन है कि भाई मेरा पूरा प्लान था कि मैं लगाऊंगा अपनी छत पे क्रिकेट वाला नेट, बट अभी मेरे को वो भी नहीं मिल रहा, तो इससे दिक्कत क्या आती है कि जब बॉल वापस चले जाते हैं नीचे बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर देना आना पड़ता है, फिर फ्लोर से बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर नीचे, मतलब सारा टाइम इसी में निकल जाता है। तो अभी देखते हैं कि क्या सीन बनता है। अभी चिराग भैया और अंकल आ रहे मेरे घर पे और हम जाएंगे छत पे भी, तो करते हैं उसके शर्ट बिना किसी एरिए। सो लेट्स गो। तो अभी एक पैकेज आया अमेजोन से, मैंने भी ऑर्डर नहीं करा, मम्मा जी कुछ सामान है तो एक बार अनबॉक्स कर देता हूँ इसमें क्या है। तो ये हैं किचन स्टैंड्स हैं, मम्मा ने ये मंगवाया है, मम्मा ने अभी मेरे कंटेनर भी मंगवाए थे टपर वेयर वाले जिसमें खाना खा सकता हूँ मैं आराम से, तो ये मैंने किचन स्टैंड मंगवाया अपने लिए, बढ़िया है। तो भाई यहाँ आ गया है मेरा ऑर्डर, दे दीजिए भैया। कितनी पेमेंट है? A few moments later. और तेरा क्या हाल है? बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़े। यार मेरे को ना हर दिन नया चढ़ रहा चस्का नई नई कॉफी ट्राई करने का, तो आज मैंने मंगवाई है आइस मोका, तो इसमें पूरी आइस है नीचे। ये वाली सेम मैंने कॉफी दुबई में ट्राई करी थी, तो देखता हूँ वो सेम होता नहीं टेस्ट। किसको मौका दी? आइस मोका। आइस को मौका दिया? कोई बात नहीं, आपको ही मौका देंगे आज। अंकल वाले जो वीडियो है ना वो होने वाली है एक बहुत तगड़ी फूड ईटिंग चैलेंज के, स्टे ट्यून्ड। और चिराग भैया आज इसी ने खाली पेट आए हैं, तो अभी अंकल आ चुके हैं पतंग लेकर आए हैं पन्नी वाली और पेपर वाली। और चिराग भी कह रहे हैं कि ये वाली किसी काम की है नहीं, बेकार होती है। पेपर वाली ठीक है तो उड़ा लोगे? बट कोई बात नहीं, उड़ा तो लोगे ना, नहीं उड़ा पाए तो कितने रुपए इनाम? मैं आ रहा हूँ, मैं जीता हूँ। देख रहे हो अंकल शर्त है आज आपकी? और मैंने उड़ा दी तो? उड़ा दी तो अंकल आपको ये वाली बॉल दे देंगे, पेट भर समोसा। तो छत पे अभी हम सारा सामान लेके आ चुके हैं एंड मैंने वहाँ पे डाल दिया पनीर, अभी आ जाएंगे सारे क्रोज और खा जाएंगे इसको, साथ में ये पानी भी भर के रखते हैं। और ये तो पहले भी मैं बैटिंग करने जा रहा हूँ, चिराग की बॉल फेंक रहे हैं, अंकल कर रहे हैं फील्डिंग। तो मैंने भी जाके बॉल मार दी और साथ वाले घर में गई और वहाँ से बॉल मिल गई अभी, बट मैं आउट हो गया क्योंकि अंकल दूसरे वाले घर में आना आउट था। चलो कोई बात नहीं अंकल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक नेट ले लेते हैं, है ना चिराग भैया? कोई बात नहीं, खेलो इसको अंकल, पकड़ो। जीत गया अंकल यार ये पहली बॉल पे, अरे ट्राई बॉल थी। दोबारा बॉल घूमगी ना, छक्का के चक्का मार दिया यार बॉल, पता नहीं कहाँ गई। ऊपर की मत मारो, नीचे शॉट मारो, ग्राउंडेड शॉट्स मारो, लॉफ्टेड मत मारो। चिराग भी आउट कर दो ना यार, आउट। तो जो बॉल है अभी अंकल ने मार दी नीचे, और वो देखो वहाँ पे वो बॉल गई हुई है, एक वहाँ पर है और एक वहाँ पर है, तो दोनों बॉल जब हमको मिल जाएंगी, एक कल भी गई थी हमारी, तो अभी अंकल लेकर आएंगे। अंकल यहाँ पे गार्ड हैं तो ये जो वाले घर वाले हैं अभी है नहीं है, तो जो अंकल हैं वो इनसे ले आएंगे। इतना मतलब उड़ा रहे हैं अभी पतंग भाई, ये तो उड़ भी गई, थोड़ा सा सिखाता था उड़ाना। हवा चल रही है वहाँ पे, अच्छा चलो मैं उड़ाता हूँ एक बार, देखो सीधा जहाँ की हवा है सीधा ऊपर कर। हाँ बस अभी जैसी सीधी सीधी हो
ऊपर करता रहे कर ऊपर अब जाने की नहीं आ रही आप उड़ाओ भाई अब उड़ाएंगे एक्सपर्ट और शायद आप मेरी पहली वीडियो में भी 15 अगस्त वाली में ही आए थे 2019 वाली वीडियो थी शायद तो ये सबको मैंने बताया था कि मेरे एक फ्रेंड आएंगे और अभी वो पूरे कन्ने बांध रहे हैं तो भैया आपका नाम बताओ ये रहा भाई टैटू डील मान जाएंगे बस पहले से था तो मान जाएंगे हमको जरूरत नहीं पड़ी बट वो जाई जा रही है अभी एक और होनी चाहिए थी भाई सद्दी उससे मैं उड़ा लेता फिर दोनों पीछे लड़ाते कट जाती तेरी नहीं मैं ये वाली उड़ाता ना आप सद्दी से उड़ाते तू काहे नहीं खत्म होता भाई तो वहाँ उड़ा रहे आराम से पतंग आज कोई है ही नहीं भाई कल इतने सारे लोग थे छत पे सब डर गए चिराग भैया को देखते अभी ये लपेट रहे हैं क्रिकेट खेले अब बॉल अभी आने वाली है चलो उतार दो ये छोड़ दो ना आराम से उड़ती रहेगी कोई आज पीछे भी लगाने नहीं आया आज तो पतंग ही सोचा उड़ा देते हैं वहाँ अटक गई भाई पतंग क्यों फाड़ दोगे भाई इतनी मुश्किल तो उनका लेकर आए पतंग एक ये देखो ये क्या हो रहा है भाई इसको अरे भाई मेरे लगती अभी तो फट भी गई देखा ऐसे फट गई पतंग तो ये भैया आ गए हैं इन्होंने नीचे डाल दिए बॉल और अब आ जाएगी हमारी बॉल ऊपर एक तो ये आ गई क्यों मारूंगा और दूर भाई बॉल वैसी कमी है यार वैसे मिल नहीं रही आजकल चलो एक तो मिली अब इनकी पहले बैटिंग करवाता हूँ Meanwhile. तो अभी आ चुके हैं सब ये छत पे और अभी हम क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे और एक और वीडियो बनाई है अभी फूल रेटिंग चैलेंज की जो कि आपको मिल जाएगी कल जो आएगी 12 बजे तो मेरे को पता करके कमेंट क्या लगता है वो कौन सा फूल रेटिंग चैलेंज है मजा आया उसके अंदर yes. बहुत मजा आया और अभी हम जैसे यहाँ पे प्लानिंग कर रहे थे कि हम क्या क्या कर सकते हैं भाई मेरा मन था टेबल टेनिस वाली टेबल रखने का प्लीज वाली टेबल रखने का यहाँ पे पूरे क्रिकेट नेट लगवाऊँ जिससे भाई जो बॉल नीचे ना जाए बताओ ठीक है जो जैसा ठीक लगे तुम बताओ बाकी वॉलीबॉल खेल सकते बैडमिंटन ये वॉलीबॉल खेलनी है इनको तमता बड़े है ड्राइवर भाई तो वो भी आए अपनी बैल्कनी में एंड मम्मा अभी ने सारी के लगाई हैं शो पीसेज डक के स्वॉन के देन फ्रॉक वगैरह के तो इसमें हम आई थिंक लगाएंगे आर्टिफिशियल प्लांट्स एंड यहाँ पे ना यार एक मैंगो का पेड़ आपको दिखाता हूँ तो ये है मैंगो का पेड़ इसमें आप देख सकते हो भाई मैंगो बहुत सारे हैं कच्चे हैं तो यहाँ पे भाई सुबह सुबह लोग आते हैं 5-6 बजे और इस पे मारते हैं पत्थर मैंगो लेने के लिए तो इस चक्कर में आज क्या हुआ कि भाई नीचे वाला देखो यहाँ पे कांच था वो टूट गया तो यहाँ पे खिंचा के पत्थर लगा और उस वजह से जो कांच है पूरा टूट गया और ये जो मैंगो का पेड़ है सुबह सुबह इस पे आते हैं रोज़ 5-6 बजे नहीं तो जो गार्ड भी होते हैं वो तुमको देख लेते हैं बट सुबह जब 5-6 बजे आते हैं वो सो रहे होते हैं तो चक्कर में आज कांच उठ गया भाई सबकी नींद खुल गई मम्मा भी उठ गई पापा भी उठ गए कि भाई क्या हुई एकदम से तो वे खत्म करते हैं इस पे आज के इस व्लॉग को मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में टिल देन बाय एंड मेरे को सकते हैं फॉलो इंस्टाग्राम पे जो इंस्टाग्राम की आईडी है वो है @ypmvlogs लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एट द टॉप एज वेल मेरे को वहाँ पे कर सकते हो डीएम भी भाई आजकल ना लॉकडाउन की जो आइडियाज है ना वीडियोज के वो इतने ज्यादा आते नहीं है सो इफ यू वांट कि भाई वीडियो बनाऊंगी नहीं स्पेसिफिक टॉपिक पे तो मेरे को वहाँ पे कर सकते हो आप डीएम अगर मैं आपका टॉपिक चूज करता हूँ मैं आपका जो नाम है अपनी वीडियो में लूंगा सो मेरे को कर सकते हो इंस्टाग्राम पे सजेस्ट मेरी इंस्टाग्राम आईडी वो है @ypmvlogs तो खत्म करते हैं आज के व्लॉग को यहीं पे दैट्स इट बाय एंड स्टे सेफ